हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद जीना। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की वीडियो लाई हूँ। इससे पहले मैंने 3 वीडियो करवा दी हैं प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। ये 3 वीडियो मैंने करवा दी हैं। अगर आपने प्रेजेंट टेंस की 3 वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उन वीडियो को देखें, देन 4th वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कैसे यूज करेंगे? ता रहा हूँ, ती रही हूँ, या ते रहे हैं, या ते रहे हो, या ती रही हो, या ता रहा है, ती रही हो, रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया से ये बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। किस सेंस में यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का? कि क्रिया से ये बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में लगातार कुछ समय तक जारी रहे, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा हूँ या ती रही हूँ या ते रहे हूँ या ते रहा रहे हूँ या ती रही हो ता रहा हूँ या ती रही है इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। ही शी इट राम के साथ हैज बीन का यूज होगा तथा यू दे के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ये सब्जेक्ट है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब मैंने इसको सेंटेंस भी लिए हैं समझाने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग सीखे, जैसे आई हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, आई के साथ हैव का यूज होगा और उसके साथ बीन लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस में आई हैव नॉट बीन रीडिंग। हैव आई बीन रीडिंग ये कैसे यूज होगा देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस बीन, हैव या हैज के साथ बीन का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी प्लस आई एन जी। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग। मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग। हम लोग पढ़ते रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग। हम लोग पढ़ते रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग। सेकेंड पर्सन, आप पढ़ते रहे हैं, तो यू के साथ हैव यूज होगा। सिंगुलर में भी यूज होता है हैव यू, और प्लूरल में भी यूज होता है यू हैव बीन रीडिंग। आप लोग पढ़ते रहे हैं, यू हैव बीन रीडिंग। आप लोग पढ़ते रहे हैं, यू हैव बीन रीडिंग। थर्ड पर्सन, वे या राम पढ़ता रहा है, ही शी इट राम हैज बीन रीडिंग। ही शी इट राम के साथ क्या यूज हो रहा है फ्रेंड? हैज के साथ बीन। ही शी इट राम हैज बीन रीडिंग, वे लोग या लड़के पढ़ते रहे हैं। फ्रेंड्स, प्लूरल, दे द बॉयज हैव बीन रीडिंग, वे लोग या लड़के पढ़ते रहे हैं, ये प्लूरल रहता है, द बॉयज हैव रीडिंग। अब मैंने कुछ सेंटेंस भी बनाए हैं अलग से। मैं हंसता रहा हूँ, आई हैव बीन लाफिंग। आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और क्रिया जो रही हूँ लाफिंग, मैं हंसता रहा हूँ, आई हैव बीन लाफिंग। सेकेंड इज, आप कड़ी मेहनत करते रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड। आई एन जी भी यूज होती है इसके साथ, आप कड़ी मेहनत करते रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड। यू के साथ हैव का यूज हो रहा है, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत, वर्किंग हार्ड। शीला इंतजार करती रही है, शीला हैज बीन वेटिंग। शीला हैज बीन वेटिंग, इंतजार, वेटिंग, शीला हैज बीन वेटिंग। फोर्थ इज, वे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। 5 वर्षों से फ्रेंड्स 4 का यूज होगा, 4-5 ईयर्स।
He has been living here for 5 years. He has been living here for 5 years. Fifth is, हम लोग सुबह से टहल रहे हैं. We have been walking since morning. टहलना, walking. हम लोग सुबह से टहल रहे हैं. We have been walking since morning. सुबह से का सेंस है तो फ्रेंड्स सीन्स का यूज होगा. सीन्स मॉर्निंग. We have been walking since morning. तुम इस कॉलेज में 2 वर्षों से पढ़ रहे हो. You have been reading in this college for 2 years. 2 वर्षों से फ्रेंड्स 4 2 years. वर्ष फोर सेकेंड ही यूज होता है फ्रेंड्स. 4. तुम इस कॉलेज में 2 वर्षों से पढ़ रहे हो. You have been reading in this college for 2 years. Seventh is, लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं. The boys have been making a noise for 3 hours. हल्ला करना, making a noise. लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं. The boys have been making a noise for 3 hours. Eighth is, अमित कथ शुक्रवार से अंग्रेजी सीख रहा है. अमित has been learning English since Friday last. सीखना, learning. शुक्रवार से, since Friday last. कथ शुक्रवार से अंग्रेजी सीख रहा है. अमित has been learning English since Friday last. और नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का. सबसे पहले क्या यूज़ होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ing भी लगता है हैज़ या हैव के साथ. सबसे पहले यूज होगा फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. अब मैंने कुछ सेंटेंस भी लिए हैं. मैं हंसता नहीं रहा हूँ. I have not been laughing. Subject है सबसे पहले, फिर helping verb, then not और फिर been use होगा. और क्रिया के साथ ing use होगा laughing. मैं हंसता नहीं रहा हूँ. I have not been laughing. I have not been laughing. Second is, आप कड़ी मेहनत नहीं करते रहे हैं. सबसे पहले subject, helping verb के साथ not and then been, फिर मैन हेल्पिंग वर्किंग मतलब जब क्रिया हो रही है. आप कड़ी मेहनत नहीं करते रहे हैं. यू हैव नॉट बिन वर्किंग हार्ड. शीला इंतज़ार नहीं करती रही है. शीला हैज़ नॉट बिन वेटिंग. इंतज़ार वेटिंग. शीला इंतज़ार नहीं करती रही है. शीला हैज़ नॉट बिन वेटिंग. फोर्थ इज वे यहाँ 5 वर्षों से नहीं रह रहा है. He has not been living here for 5 years. वे यहाँ 5 वर्षों से नहीं रह रहा है. He has not been living here for 5 years. Fifth is, हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे हैं. We have not been walking since morning. हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे हैं. We have not been walking since morning. We have not been walking since morning. तुम इस कॉलेज में 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो. यू हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स. तुम इस कॉलेज में 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो. यू हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स. फॉर 2 ईयर्स. सेवन्थ, लड़के 3 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं. द बॉयज have not been making a noise for 3 hours. घंटे के साथ भी फ्रेंड्स 4 का ही यूज होता है. The boys have not been making a noise for 3 hours. अमित कथ शुक्रवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है. अमित has not been learning English since Friday last. अमित कथ शुक्रवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है. अमित has not been learning English since Friday last. हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का. सबसे पहले यूज़ होगा has या have प्लस सब्जेक्ट प्लस been. सब्जेक्ट के बाद ही been का यूज़ होगा. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. क्रिया के साथ ing का यूज़ होता है. has या have प्लस सब्जेक्ट प्लस been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. अब मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए. क्या मैं हंसता रहा हूँ? तो इसमें सबसे पहले क्या यूज़ हो रहा है?
हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज होगा। फिर क्रिया क्या है हमारी? लाफिंग, हंसने की। क्या मैं हंसता रहा हूँ? हैव आई बीन लाफिंग। क्या मैं हंसता रहा हूँ? हैव आई बीन लाफिंग। सेकेंड इज, क्या आप कड़ी मेहनत करते रहे हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बीन, फिर वर्ब, वर्क मतलब जो क्रिया हो रही है काम करने की, हार्ड वर्क। हैव यू बीन वर्किंग हार्ड? क्या आप कड़ी मेहनत करते रहे हैं? हैव यू बीन वर्किंग हार्ड। थर्ड इज, क्या शीला इंतज़ार करती रही है? हैज शीला बीन वेटिंग? क्या शीला इंतज़ार करती रही है? हैज शीला बीन वेटिंग। फोर्थ इज, क्या वे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है? Has he been living here for 5 years? क्या वे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है? Has he been living here for 5 years? हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में का निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट का यूज़ होगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़, नॉट प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सबसे पहले यूज़ होगा निगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, क्या हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे हैं? तो सबसे पहले क्या यूज़ होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैव। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा? वी, निगेटिव है तो नॉट, नॉट के साथ बी। जो क्रिया हो रही है वो बाद में यूज होगी टहलने की, वॉकिंग। क्या हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे हैं? Have we not been walking since morning? Have we not been walking since morning? क्या तुम इस कॉलेज में 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो? सबसे पहले क्या यूज हुआ? हेल्पिंग वर्ब। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। नॉट के सेंस में यूज क्या हुआ है? नहीं के सेंस में नॉट। फिर बीन, फिर जो क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है? रीडिंग, पढ़ने की। देन ऑब्जेक्ट, फिर अदर। Have you not been reading in this college for 2 years? क्या तुम इस कॉलेज में 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो? Have you not been reading in this college for 2 years? Seventh is, क्या लड़के 3 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं? Have the boys not been making a noise for 3 hours? क्या लड़के 3 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं? Have the boys not been making a noise for 3 hours? For 3 hours. Eighth is, क्या अमित गत शुक्रवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? Has Amit not been learning English since Friday last? क्या अमित गत शुक्रवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? Has Amit not been learning English since Friday last? अब हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। व्हेन, व्हेन मीनिंग का मीनिंग होता है कब, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, एक्सेट्रा का पीरियड। व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सबसे पहले यूज होगी WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अब सेंटेंस देख लेते हैं। मैं कैसे हंसता रहा हूँ? हाउ, कैसे, WH फैमिली। WH फैमिली क्या है? हाउ। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैव। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। बीन, फिर लाफिंग जो क्रिया हो रही है। मैं कैसे हंसता रहा हूँ? हाउ हैव आई बीन लाफिंग। सेकेंड इज, आप क्यों कड़ी मेहनत करते रहे हैं? अब क्यों के लिए वाई, वाई क्या हमारी? WH फैमिली। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैव। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। फिर बीन, बीन के बाद जो क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है? कड़ी मेहनत, तो वर्क, हार्ड, वर्किंग हार्ड। आप क्यों कड़ी मेहनत करते रहे हैं? वाई हैव यू बीन वर्किंग हार्ड। थर्ड इज, शीला क्यों इंतजार करती रही है? वाई हैज शीला बीन वेटिंग। शीला क्यों इंतज़ार करती रही है? Why has Sheila been waiting? Why has Sheila been waiting? वे कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है? How has he been living here for 5 years? वे कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है? How has he been living here for 5 years? अब WH फैमिली को
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे हम। व्हेन व्हाई हैव एक्सेप्टर का प्रयोग, व्हेन व्हाई हैव प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगी। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, सब्जेक्ट नॉट, बीन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमको सेंटेंस लिए मैंने इसके, हम लोग कैसे सुबह से नहीं टहल रहे हैं, तो हाउ क्या है हमारा कैसे, ये हमारी डब्ल्यूएच फैमिली है। हाउ हैव क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, वी क्या है हमारा सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, नॉट बीन। और वर्ब क्या है, वर्ब क्या हो रही है फ्रेंड्स हमारी वॉकिंग, वॉकिंग मतलब टहलना, हम लोग कैसे सुबह से नहीं टहल रहे हैं। हाउ हैव वी नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सिक्स्थ इज, तुम कैसे इस कॉलेज में दो वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो। हाउ हैव यू नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर टू ईयर्स। हाउ क्या है हमारे फ्रेंड्स डब्ल्यू एच फैमिली, हैव हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, यू नॉट नहीं के सेंस में यूज हो रहा है, बीन हेल्पिंग वर्ब है हमारी। रीडिंग क्रिया काम को करने की, तुम कैसे इस कॉलेज में दो वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो। हाउ हैव यू नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर टू ईयर्स। सेवेंथ इज, लड़के क्यों 3 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं। व्हाई हैव द बॉयज नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 3 आवर्स। लड़के क्यों 3 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं। व्हाई हैव द बॉयज नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 3 आवर्स। एट इज, अमित क्यों गत शुक्रवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। व्हाई हैज अमित नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस फ्राइडे लास्ट। अमित क्यों गत शुक्रवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। Why has Amit not been learning English since Friday last? इदी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स लिखकर ज़रूर बताना। If you like the video, so don't forget like, share and subscribe my channel and hit the bell icon। और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उन्हें भी टाइम पे अपडेट मिलती रहे। Thanks for watching my video.